इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और इस ब्रेक के दौरान जैसा कि हर बार हम अपने अंक में दिखाते हैं, आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ सशक्त विचार। वो क्या है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है? वो है बल। बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से आता हुआ अज्ञान राशि की धज्जियां उड़ा देता है तो वो है अभी ही निर्भयता। अवेकनिंग इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर डीपी त्रिपाठी जी के साथ। प्रोफेसर त्रिपाठी, शिकागो में जो धर्म संसद हुई और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जो अपना वक्तव्य रखा, क्या कहा? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर सबसे बड़ी पहली बात यही कही कि देखो, मैं यहाँ पहली बात तो यह है कि शिकागो वासियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहला संबोधन उन्होंने कहा कि हे अमेरिका के या यहाँ के जो धर्म संसद में आने वाले भाई और बहनों, तो इस बिंदु को ही लेकर के वहाँ के लोगों में बहुत बड़ी बात आई कि ये भाई और बहन बोलने वाला व्यक्ति कोई नया है, एक बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि देखो, मैं यहाँ जो आया तो आपको एक बहुत बड़ी धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि कम से कम आपको और अमेरिका को यह एक बहुत अच्छा श्रेय जाएगा कि जिसने ये सोचा कि कम से कम इस दुनिया में सारे धर्मों को एक होना चाहिए, सबकी बातें समझनी चाहिए और किसको कैसे उपयोग करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, तो एक मंच पर आने का आपने जो ये प्रयास किया, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। दूसरे, उन्होंने वहाँ जो एक सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये कहा कि देखो, मैं जिस देश से आया हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ, मेरा देश, मेरा जो जगह है, वहाँ जो मैं धर्म की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ आकर के जो मैंने देखा और जो मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे जो धर्म के लोग हैं या जो मेरी बात है, तो कम से कम एक एकत्व की ओर जाएगा और एक जगह पहुंचेगा। तो उन्होंने यही बात कही कि ये जो कहते हैं कि भाई तुम दूसरे के धर्म का प्रचार करो और तुम दूसरे के धर्म का प्रचार करो, तो प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता और धर्म का प्रचार करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। धर्म का प्रचार, मेरा उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ आकर के जो सत्य है उसको दुनिया जाने, और जब दुनिया सत्य को पहचान जाएगी तो कभी भी विभेद नहीं होगा और वो भेद मिट जाएगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले यही कहा कि धर्म कभी भी अलग अलग नहीं करता है, और उन्होंने उसी संसद में कहा था, वो धर्म संसद में कहा था कि धर्म ऐसे ही हैं जैसे अपने अपने स्रोत से नदियाँ निकलती हैं और निकलने के बाद समुद्र में जाके मिल जाती हैं, उसी प्रकार जैसे केंद्र से होकर के त्रिज्याएं निकलती हैं और परिधि में पहुंच जाती हैं, पर जब हम किसी भी त्रिज्या को परिधि में देखते हैं तो हर त्रिज्या परिधि पर अलग अलग होती है, पर जब वो सारी की सारी त्रिज्याएं केंद्र में आ जाती हैं तो केंद्र में आकर के एक बिंदु में समाहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने वहाँ जब लोगों के सामने एक संदेश दिया तो लोगों को लगा कि ये कोई बहुत ही दूसरी बात बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का उस समय जो एक देश की और दुनिया की जो धर्म की जो स्थिति थी उस समय काफी कुछ उहापोह था। लेकिन तब से लेके अब तक किस तरह का बदलाव आया है? आपको लगता है स्वामी जी की जो उस समय कही हुई बातें हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं? देखिए, सबसे पहली बात,
हिंदू धर्म के विषय में या भारतीय धर्म के विषय में या भारत के विषय में उस समय तक जो लोग समझते थे वहाँ पर, वो ये समझते थे कि शायद भारत में बहुत से लोगों को ये पता था कि वहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं होती है, इसलिए शायद वो पिछड़े हैं। जब स्वामी जी ने वहाँ पर जा कर के बोला कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा धर्म है, और कूप मूट मंडूक का उदाहरण भी दिया, और उन्होंने ये भी कहा इसलिए ऐसी बातें, और फिर उन्होंने सारे धर्मावलंबियों को ये कहा कि ये कहना कि मेरा धर्म बड़ा है ये नहीं कहना चाहिए। इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक उक्ति बताई, एक उदाहरण दिया कि जैसे कि एक कुआं है, उस कुएं में एक मेंढक है, और वो मेंढक ने उस कुएं को साफ कर लिया, पानी कीड़े मकोड़े खा करके वो पानी को स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, और उस साफ और स्वच्छ रखने के बाद वो ये समझता है कि मेरा कुआं जितना सुंदर है और इसका पानी जितना निर्मल है और इतना बड़ा है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जब ये बात करता है तो एक दिन अचानक कोई समुद्र का मेंढक आकर के वहाँ गिरता है, और गिरने के बाद उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए, उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ, तो उसने कहा समुद्र कितना बड़ा है, तो उसने कहा कि भाई समुद्र कहाँ और कहाँ तेरा कुआं, इसमें तो दोनों में बहुत अंतर है, तुलना ही नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी बताओ, वो कूद करके एक तरह से दूसरी जगह पर जाते हैं क्या इतना बड़ा है, कि भाई नहीं इससे कोई तुलना नहीं हो सकती है, समुद्र समुद्र है, कुआं कुआं है, इसकी बात छोड़ो। तो जब वो नहीं मानता बोले जा तेरा कुआं मेरे तेरा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा थोड़ी हो सकता है, इसे तुम बकवास बंद करो। तो तब उसने कहा जो समुद्र से आया हुआ मेंढक था, उसने कहा अरे कूप मंडूक बाहर निकल। तो स्वामी जी ने वहाँ यही कहा कि मैं हिंदू धर्म से आया हूँ, मैं ये कहूँ कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, कोई दूसरे धर्म से आया हुआ है वो ये कहे कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वहाँ एक संबोधन बहुत अच्छा किया, अरे कूप मंडूको इस कुएं से बाहर निकलो, और कुएं से बाहर निकल करके समुद्र को देखो कितना विराट है, कितना बड़ा है, और वो समुद्र में जिसमें सारी नदियां मिलके आ जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। तो ये उनका जो सबसे बड़ा संदेश था, और इसको सुन करके वहां के लोगों को बहुत ही उत्तम लगा। दूसरी ये चीज जी, अरे कूप मंडूकों अपने कुओं से बाहर निकलो, ये कहना था स्वामी विवेकानंद का शिकागो अमेरिका में, जब वहाँ पर धर्म संसद हुई थी। त्रिपाठी जी से ज़रूर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल फादर डोमिनिक इमैनुएल से हमने बातचीत की, आइए जानते हैं कि उनका धर्म के विषय पर क्या कहना था। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि रिलीजियस का रिलीजन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर 600 करोड़ पब्लिक है दुनिया में, तो कम से कम इसमें से 500 करोड़ जनता किसी ना किसी धर्म में, किसी ना किसी भगवान में विश्वास करती हैं, और इसलिए अगर हम उन 500 करोड़ के लोगों की तरफ देखें तो हम देखेंगे कि हाँ धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिकतर लोगों को अगर ये 500 करोड़ विश्वासी हैं तो इसमें से कम 495 करोड़ लोगों को ये मार्गदर्शन देता है, सही रास्ते पे चलने के लिए कहता है, शांति देता है, जब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उनको कृपा मिलती है और कृपा बरसती है उन पर। तो ये सब कुछ रिलीजन के सकारात्मक पहलू हैं, परंतु कुछ लोग जो धर्म को ठीक तरह से नहीं समझते हैं पर सोचते हैं कि हम समझ गए हैं, और उनकी कुछ पंक्तियों को, विशेषकर धर्म पुस्तकों की कुछ पंक्तियों को लेकर उसी को सब कुछ सच मान लेते हैं और उसी को चलकर आगे बढ़ाते हैं, और धर्म को पूरे अपने उसमें संदर्भ में ना लेकर केवल एक ही चीज़ पर दबाव देते हैं, तो वहाँ पर धर्म की एक गलत समझ होती है, गलत फहमी होती है, और इस वजह से कुछ लोग धर्म को लेकर कुछ गलत रास्ते पर चल बैठते। एक पहलू तो वो है, दूसरा पहलू यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म अच्छा है और धर्म अच्छी शिक्षा देता है, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में उन शिक्षाओं को उतारने में और उन पहलुओं को लाने में वो थोड़ा असमर्थ होते हैं या उसको कठिन पाते हैं। फादर डोमिनिक इमैनुएल से हमने जाना कि क्या भ्रांतियां हैं धर्म को लेकर, किस तरह से कई बार त्रिपाठी जी धर्म से अज्ञानता भी फैला देते हैं कुछ लोग। नहीं, अगर देखा जाए तो धर्म का जो तत्व है वो बुद्धि से जाना जा सकता है। बुद्धि कभी भी किसी व्यक्ति को अधर्म की बात नहीं कह सकती है। निश्चयात्मिका बुद्धि, कभी भी आप अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, कभी भी वो गलत नहीं बोलेगी। आदमी गलती कब करता है? जब ईर्ष्या में पड़ता है, द्वेष में पड़ता है, दुर्भावना में पड़ता है, अहंकार में पड़ता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अन्य जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब हमारे
सत्य को प्रभावित करते हैं। तो इसे दूर करने के लिए आपको लगता है शिक्षा की जो प्रणाली है उसको सशक्त करना होगा? हाँ, इसे दूर करने के लिए शिक्षा की प्रणाली, और ऐसी शिक्षा की प्रणाली जो वास्तविक शिक्षा है। इसीलिए स्वामी जी ने एक बहुत चीज पर जोर दिया कि धर्म की शिक्षा समाज को जरूर मिलनी चाहिए। और आज जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है वह समाज को धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है, पंथ की शिक्षा मिल रही है। समाज में जो विभेद हो गया है वो धर्म को हमने पंथ से जोड़ दिया है, और धर्म को पंथ बना दिया है तो व्यक्ति कहता है कि धर्म की बात करना ही पाप हो गया है। अर्थात धर्म को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि का उपयोग करना ही यदि पाप हो जाएगा तो समाज कहाँ जाएगा। तो आपको क्या लगता है त्रिपाठी जी, चलते चलते जितने भी धर्म गुरु हैं जो आपसी सौहार्द की बात करते हैं, क्या करना होगा, किस तरह सोच में बदलाव लानी होगी ताकि सर्वधर्म संभाव और सशक्त हो? सबसे पहली बात यह है कि हर धर्म का अपनी जगह पे बहुत बड़ा स्थान है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो अंतिम धर्म जिस दिन समापन था उस दिन यही कहा था कि मेरे भाइयों, मैं यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं कि ईसाइयों को हिंदू बनाऊँ, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ये बहुत बड़ा पाप करूँगा। क्यों पाप करूँगा? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, जब तक हम किसी व्यक्ति का जो समाज में है, समाज में बहुत तरह के व्यक्ति रहते हैं, सबका सोचना अलग अलग है, सबका खान पान रहन सहन इच्छाएं प्रवृत्तियां सब भिन्न भिन्न हैं। हम दिक्कत कब होती है? जब हम सबको एक जैसा करने की बात करते हैं, सबको एक जैसा करने के लिए सलाह देते हैं, सबको एक जैसा करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। यही सबसे बड़ा अधर्म है, यही चीज नहीं होना चाहिए। सबको स्वतंत्र है अपनी विद्या बुद्धि विवेक और अपने सोच पर, परंतु ये कब होगा? जब समाज में शिक्षा का प्रचार होगा, शिक्षा बढ़ेगी। परंतु आज जो शिक्षा बढ़ रही है वह शिक्षा सिर्फ एक पक्ष पर रह करके रह जाती है, उसमें शिक्षा का जो एक सही मतलब होना चाहिए वो धीरे धीरे उसे बिछुड़ रहा है। अंतर क्या है? शिक्षा हम सिर्फ दे रहे हैं किसके लिए? अच्छी सी अच्छी नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। परंतु पैसा कमाना भी व्यक्ति का एक धर्म है, पर हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें जो पहला पुरुषार्थ है वह धर्म है। धर्म का मतलब है सद असद का विवेक, सही और गलत की पहचान। जब तक सही और गलत की पहचान हम समाज को या किसी व्यक्ति को नहीं देंगे तब तक उसकी वो समाज में क्या करेगा जी? तो सही सद असद का विवेक करना, सही और गलत का निर्णय करना, यही मूल रूप में धर्म है। परंतु जब हम इसको पंथ से जोड़ते हैं तो विवाद शुरू हो जाता जी। तो सच को जानना ही धर्म है, और जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि धर्म को हमें बुद्धि से जोड़ के देखना होगा। यदि हमारी सकारात्मक बुद्धि होगी तो पॉजिटिव विचार आएंगे और कहीं ना कहीं समाज जागृत होगा। त्रिपाठी जी, आज चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और यदि आप अवेकनिंग इंडिया पर कोई सुझाव देना चाहें, प्रतिक्रिया भेजना चाहें, तो हमारे कार्यक्रम का ईमेल का पता नोट जरूर कर लें, awakeningindia.dd@gmail.com। हमारे ईमेल का पता नोट कर लें, awakeningindia.dd@gmail.com। आज के अंक में बस इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। वो क्या है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है? वो है बल। बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से आता हुआ अज्ञान राशि की धज्जियां उड़ा देता है, तो वो है अभी ही।